हाय फ्रेंड, दिस इज अश्विनी गौनस्थी और वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अस्थी। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 30 इंपॉर्टेंट ट्रिपल सी के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि फरवरी 2021 के एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। और ये मिक्स क्वेश्चन का सेट वन है, जिसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेट किया है, जिसमें आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सकें और अपने पेपर में अच्छा ग्रेड हासिल कर सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें तथा पास में लगे घंटे के बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप आ सके मेरी वीडियो सबसे पहले। इसके साथ साथ नीचे दिए गए शेयर बटन से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें, जिससे ज्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो इसका बेनिफिट उठा पाएं और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वो याद करके पेपर में अच्छी ग्रेडिंग हासिल कर सकें। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आपके सेट का। तो यहां पर मैंने क्वेश्चंस जो हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में नोट किए हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, हु क्रिएटेड इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर को किसने क्रिएट किया, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर किसने बनाया है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने इंटरनेट एक्सप्लोरर को बनाया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। यहां पर इसका राइट आंसर ए लिख लेते हैं, जिसमें आप लोगों को क्लिफिकेशन रहे कि इसका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हेल्प ऑफ फॉलोइंग सॉफ्टवेयर द यूजर एंटर्स द इंटरनेट टू गेट इंफॉर्मेशन। किस सॉफ्टवेयर की मदद से यूजर इंटरनेट में प्रवेश करता है और जानकारी लेने के लिए प्रवेश करता है। बेसिकली अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो यहां ब्राउजर जो है इसका है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ब्राउजर के माध्यम से आप इंटरनेट पर सर्फ कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है इस यहां पर फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी। एनआईसी की अगर हम बात करें तो एनआईसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इसका राइट आंसर होगा बी। तो यहां पर मैं नोट डाउन करते चल रहा हूं आंसर, जिसमें आपको ध्यान रहे कि इसका राइट आंसर क्या है। और क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट मुझे लगे हैं, इसलिए इनको मैंने इन्वॉल्व किया है। तो इनको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए और मैं ये कह रहा हूं गारंटी के साथ कि इनमें से कई क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी पेपर में फंसेंगे। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, यहां पर आता है व्हाट इज द लीगल कॉपिंग एंड कॉपी रिटन सॉफ्टवेयर कॉल्ड। इनमें कौन सा ऐसा है जो आपके प्रतिलिपि लिखित सॉफ्टवेयर की अवैध प्रतिलिपि कहां कहलाती है या क्या कहलाती है। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाती है वो। आपको पता होगा कि अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को आप उसकी कॉपी क्रिएशन करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यहां पर राइट आंसर हम लिख देते चल रहे हैं। इसके अलावा मैं ट्रू एंड फॉल्स की अगर बात करूं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में काफी ट्रू एंड फॉल्स आते भी हैं, अप्रॉक्सिमेटली अगर बात की जाए इस टाइम पर फरवरी एग्जामिनेशन या जनवरी एग्जामिनेशन तक की, तो लगभग 25 तक आपके ट्रू एंड फॉल्स रहते हैं। ट्रू फॉल्स से रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाई है, जो कि मुझे लगता है मैंने बहुत सारा इसको सर्च किया और उसका मुझे लगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा और उसके साथ साथ आई बटन में भी आप उसका वीडियो का लिंक देख पाएंगे। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको वॉच जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसका बेनिफिट बहुत सारे लोगों ने उठाया भी है। आप कमेंट पढ़कर भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो सब्सक्राइबर हैं वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में, तो वो चीज आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो उसको वॉच जरूर कर लीजिएगा ट्रू एंड फॉल्स, अगर आपका ट्रिपल सी का एग्जामिनेशन है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है UIDAI का फुल फॉर्म क्या है, तो UIDAI का पूरा नाम क्या है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहला ही हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहां पर हम इसका राइट आंसर लिख ले रहे हैं, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहां पर, वी आर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। तो वी आर की अर्थ क्या है, तो वी आर का अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, आपके सामने है वर्चुअल रियलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है इसमें से, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी की कैटेगरी की अगर बात करें तो यहां पर नॉन वोलेटाइल मेमोरी में जो आंसर आता है आपका वो आ जाता है यहां पर आपका रोम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल में आपका सी हो जाएगा रोम। रीड ऑनली मेमोरी आपकी नॉन वोलेटाइल कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, शॉर्टकट की सेपरेट शीट में चयनित सेल को एक पंक्ति का चयन करने के लिए। यानी अगर आप सेपरेट शीट में, यानी कैल्क जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर अगर आप एक पंक्ति यानी एक रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार उसकी शॉर्टकट होती है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका,
बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। शिफ्ट प्लस स्पेस बार के माध्यम से आप एक रो को सेलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल स्पेस बार के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है पूरी वर्कशीट सेलेक्ट करना, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार से आप पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एंटायर वर्कशीट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 के बाद 9 आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचएमडी। एचएमडी की अगर हम बात करें तो एचएमडी हेड माउंटेड डिटेक्शन, हेड मेड डिस्प्ले या हेड माउंटेड डिस्प्ले, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। हेड माउंटेड डिस्प्ले इज द राइट आंसर, इसका राइट आंसर सी होगा, हेड माउंटेड डिस्प्ले। नेक्स्ट आता है इसके बाद क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेप्स आर अवेलेबल फॉर मेल मर्ज। तो मेल मर्ज को आपको पता होगा, अगर आपने मेल मर्ज कभी किया है तो उसके 6 स्टेप्स होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि 6 स्टेप्स के माध्यम से मेल मर्ज को कंप्लीट किया जाता है। मेल मर्ज एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप मल्टीपल लेटर्स क्रिएट कर सकते हैं, ये आपके राइटर सॉफ्टवेयर का एक भाग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर की का कोई एक घटक जिससे आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो अगर हम किसी को छू सकते हैं और देख सकते हैं तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर को हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12 में, इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर इज स्टोर्ड एट। जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर की जाती है वो किस फॉर्म में होती है, उसका राइट आंसर एनालॉग डेटा होगा, डिजिटल डेटा होगा, मॉडर्न डेटा होगा या नन ऑफ द होगा। तो डिजिटल डेटा कहलाएगा उसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में हम डेटा को स्टोर कर पाते हैं कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर, जो आ जाता है वो आ जाता है आपका यहाँ पर 13 में लिखा हुआ है आपका, विच की डिलीटेड द टेक्स्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कर्सर। यानी कर्सर के राइट साइड से अगर हम कर्सर डिलीट करना है, यानी कर्सर जैसे हमारा ये ब्लिंक कर रहा है, इसके राइट साइड यानी इस साइड से अगर डेटा डिलीट करना है तो हम डिलीट की का यूज करते हैं, और अगर लेफ्ट साइड का करना है तो बैक स्पेस का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि हमें राइट साइड की बात की गई है, उसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल साइट। सोशल साइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अमेजोन है वो सोशल साइट नहीं है बल्कि ई कॉमर्स साइट है, तो इसका राइट आंसर भी ए हो जाएगा, क्योंकि अमेजोन एक सोशल साइट नहीं है, एक ई कॉमर्स साइट है। 14 के बाद 15 क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है, विच शॉर्टकट की यूज टू फॉर ए न्यू डॉक्यूमेंट इन द लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट। लिब्रे में नए दस्तावेज को लेने के लिए एक शॉर्टकी क्या प्रेस करते हैं, ऑल्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एफ, शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। देखिए ये जो है वो एक टेक्निकल क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, और इस क्वेश्चन को मैं पूरा एक्सप्लेन जरूर करूंगा आप लोगों को। देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ जो होता है वो फॉन्ट के लिए यूटिलाइज किया जाता है, शिफ्ट प्लस स्पेस अगर आप सॉरी एफ प्रेस करते हैं तो आपको कैपिटल में एफ लिख के मिलता है। कंट्रोल एफ जैसा कि आप जानते होंगे फाइंड की शॉर्टकी होती है, और यहां पर ऑल्ट प्लस एफ एक यूनिक की यहां पर दी गई है, बेसिकली ऑल्ट एफ यूज किया जाएगा एक नई फाइल के लिए, क्योंकि जैसे आप राइटर में ऑल्ट प्लस एफ प्रेस करते हैं तो आपको न्यू का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद 16, द फॉर्मूला इज इन द लिब्रे ऑफिस दैट शोज 16% ऑफ ए कंटेंट। तो ए वन कंटेंट का अगर हमें 16% निकालना है तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, तो बेसिकली इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो इक्वल टू ए वन इंटू 16% राइट आंसर होगा, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 आता है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर का इनमें कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, माउस आपको पता है एक हार्डवेयर होता है, प्रिंटर भी आपको एक हार्डवेयर की कैटेगरी में मिलता है, मॉनिटर भी मिलता है, सिर्फ बायोस जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो एक हार्डवेयर नहीं है, एक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट आता है विच ऑफ फॉलोइंग बैंक चार्जेस इंटरेस्ट, इनमें किस पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। चार्ज करने की अगर हम बात करें, देखिए लेने की बात यहां पर आ गई है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहां चार्ज आता है और गिवन आता है, यानी देता है और लेता है की बात आती है। तो अगर लेने की बात आ रही है तो बैंक जो है वो लोन पर इंटरेस्ट लेता है और डिपॉजिट पर देता है, तो ये चीज जाना कि इसका राइट आंसर जो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि लोन पर वो इंटरेस्ट क्या करता है आपको, आपसे लेता है, और डिपॉजिट जो आप करते हैं पैसा उस पर आपको इंटरेस्ट देता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन एक प्रकार का बैंक खाता नहीं है। तो करंट अकाउंट आपको पता है बैंक में खाता होता है, सेविंग अकाउंट भी होता है, चिट फंड अकाउंट जो है वो खाता नहीं होता क्योंकि रिकरिंग डिपॉजिट भी होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चिट फंड जो खाता है वो बेसिकली आपका एक बैंक खाता नहीं होता, क्योंकि चार प्रकार के जो खाते होते हैं उसमें करंट अकाउंट आता है, सेविंग अकाउंट आता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आता है, और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आता है। ये चार प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, चिट फंड अकाउंट नाम का कोई अकाउंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 नंबर पर, व्हाट इज द वर्ल्ड टोटल
that usually appears underlined on a web page. तो किस वर्ड के नीचे अंडरलाइन अपेयर होता है? तो बेसिकली आपको पता होगा हाइपरलिंक के नीचे, क्योंकि हाइपरलिंक की दो ही कंडीशन होती है, ये हमेशा डिफरेंट कलर में होता है और अंडरलाइन होता है. तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि हाइपरलिंक के नीचे ही अंडरलाइन आपको नजर आता है. नेक्स्ट आता है व्हाट इज द what type of device is a computer mouse? Computer mouse कौन से प्रकार की डिवाइस है? स्टोरेज डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, फ्लैश डिवाइस है, अटैचिंग डिवाइस है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉइंटिंग, क्योंकि माउस जो होता है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आता है. तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस. और ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको नोट डाउन जरूर करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे काफी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं इस बार के एग्जामिनेशन के लिए. तो उनको अच्छे तरीके से आप तैयार जरूर कर लीजिएगा, नोट डाउन करिए और याद जरूर कर लीजिएगा. नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइज्ड एज डेटा इन अ वर्कशीट. अगर आप डेटा को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं वर्कशीट में तो कैसे करते हैं? तो बेसिकली इसका राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा. रो एंड कॉलम के माध्यम से हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए एक सेपरेट शीट के अंदर या वर्कशीट के अंदर आपका डेटा जो होता है वो रो और कॉलम में रिप्रेजेंट कराया जाता है. तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा. नेक्स्ट आता है सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर्स यूज पैरेलल प्रोसेस. तो पैरेलल प्रोसेस का यूज करते हैं, समांतर प्रोसेस का यूज करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल ट्रू है ये आपका आंसर. इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सुपर कंप्यूटर जो होता है वो पैरेलल प्रोसेसर को यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूजर नेम एंड डोमेन नेम्स आर सेपरेटेड बाय एट द रेट. तो बिल्कुल सही जवाब है ये भी आपका ट्रू है, क्योंकि यहां पर आपका जो यूजर जो है वो यूजर नेम और डोमेन नेम जो है वो सेपरेट किया जाता है एट द रेट सिंबल के साथ. तो यह आता है, देखिए ट्रू एंड फॉल्स की बात अगर चल रही है तो इसके लिए आप जो वीडियो मैंने आपको बताई है उसको वॉच जरूर करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन से भी आप उसको वॉच कर सकते हैं, पीछे मैंने आपको बताया ही है. तो वो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी और अगर आपके ट्रू फॉल्स आएंगे तो उसको आप आराम से डील कर पाएंगे और आप ट्रिपल सी एग्जामिनेशन में आसानी से पास कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका द फुल मीनिंग ऑफ बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कोड. तो ब्लाइंड कार्बन कोड नहीं होता, इसका फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है. तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? फॉल्स हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी हो जाएगा फॉल्स. इसका नेक्स्ट आता है द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ गुड्स ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड. तो जो प्रोसेस होता है ट्रेडिंग ऑफ द गुड्स ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, तो ई सेलिंग एंड बाइंग, ई ट्रेडिंग, ई नेंस या ई कॉमर्स. तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ई कॉमर्स कहलाता है जो इंटरनेट पर अगर बाइंग और सेलिंग करते हैं तो वो ई कॉमर्स कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर यूजर्स हु आर नॉट बिजनेस पीपल समटाइम कॉल्ड देम. जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो व्यवसाय नहीं है उनको कभी कभी क्या कहा जाता है? तो एंड यूजर कहा जाता है. तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एंड यूजर कहलाते हैं वो लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28 व्हाट इज द होम पेज ऑफ द वेबसाइट कॉल्ड. तो वेबसाइट के होम पेज को क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट पेज कहा जाता है. तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक फर्स्ट पेज बोलते हैं. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29 ब्लॉकचेन इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिकॉर्ड्स विच वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ. तो जो ब्लॉकचेन है सबसे तेजी से बढ़ने वाला रिकॉर्ड है जो के आधार पर काम करता है. तो बेसिकली अगर हम बात करें तो एक क्रिप्टोग्राफी पे काम करता है, क्रिप्टोग्राफी पे काम करता है. इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्रिप्टोग्राफी. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका द कंप्यूटर होस्टिंग योर ईमेल अकाउंट इज कॉल्ड. जो कंप्यूटर होस्ट करता है आपके ईमेल अकाउंट को उसको हम ईमेल सर्वर कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा. ब्लॉकचेन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं जनवरी एग्जामिनेशन में भी, और चांसेस हैं कि ये इसके क्वेश्चन फरवरी एग्जामिनेशन में ज्यादा आएंगे. तो ब्लॉकचेन से रिलेटेड आप स्टडी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंट मुझे काफी क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और मैं ऐसे ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहूंगा जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं. वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है, जिससे लोग इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं और उन तक ये बेहतरीन क्वेश्चन पहुंच पाते हैं और वो भी इसका बेनिफिट उठा पाते हैं. एट लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.